चलिए बड़ी खबर जयपुर से आपको बताएंगे, जहां पर राहुल गांधी का राजस्थान दौरा तय हुआ है। 11 अगस्त को राहुल गांधी जयपुर आएंगे। दिल्ली में राहुल गांधी के निवास पर बैठक हुई है। बैठक में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और AICC के संगठन महासचिव अशोक गहलोत मौजूद रहे। पहले जयपुर में बैठक, फिर प्रदेश में दौरे करेंगे। जसराज जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। जसराज, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 11 अगस्त को अपने प्रस्तावित दौरे पर राजस्थान पहुंच रहे हैं, जयपुर पहुंच रहे हैं। चुनाव के लिहाज से कितना खास इस दौरे को माना जाए? बिल्कुल रस बताना चाहूंगा, ये राहुल गांधी का एक दिवसीय दौरा है, क्योंकि राजस्थान में चुनावी शंखनाद की हो चुकी है। राजस्थान में गौरव यात्रा जिस तरह से बीजेपी में वसुंधरा राजे निकाल रही है, उसको देखते हुए राजस्थान में राहुल गांधी का जो बहुत प्रतीक्षित दौरा था, पहले भी ये बन चुका था प्लान, लेकिन अब उन चुनाव के नतीजे से देखते हुए राहुल गांधी को 11 तारीख को जयपुर आना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया की, तो क्योंकि वो अपने दौरे पे निकल चुकी हैं, ताबड़तोड़ रैलियां भी कर रही हैं, जनता को संबोधित कर रही हैं। अब क्या लगता है राहुल गांधी के दौरे के बाद से कुछ समीकरण बदलेंगे? क्या प्रभाव बना पाएंगे, जनता को लुभा पाएंगे कि प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बन जाए या वही स्थिति? सच बताना चाहूंगा, हाल फिलहाल जो स्थिति कांग्रेस की बनी हुई है, कांग्रेस में हालांकि अभी मुख्यमंत्री का जो दो चेहरे सामने आ रहे हैं, उन चेहरों को लेकर जो लड़ाई चल रही है राजस्थान में कांग्रेस की, जो खून डली हुई है। हालांकि जो गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो अपने आप में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व दमदार तरीके से करते हैं। हाल फिलहाल जो प्रदेश अध्यक्ष बने हुए सचिन पायलट, वो भी अपने आप में कांग्रेस को खड़ा करने में काफी हद तक कामयाब है। मतलब जैसे अब ये कहना लाजमी होगा कि जयपुर राजस्थान में भी कांग्रेस दो गुटों में बटी हुई है। दोनों में ही आपसी मतभेद हैं, दो बड़े नेताओं में आपसी मतभेद है। कांग्रेस के जो नेता है अभी ये तय नहीं कर पाए हैं कि कांग्रेस में हाल फिलहाल जो कांग्रेस का चेहरा होगा वो कौन होगा। लिहाजा राहुल गांधी इसी निपटारे को निपटाने के लिए एक दिवसीय जो प्रदेश कार्यालय में जो मीटिंग रखी गई है, प्रदेश के जितने भी आला जो कार्यकर्ता है, नेता है, विधायक, MLA उनसे मुलाकात करेंगे और इस निपटारे का निराकरण करेंगे। बहुत शुक्रिया जसराज जानकारी के लिए।